यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़ा धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी एक दो महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि एक कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। क्या विडंबना है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय 1995 में कहा तो किसी भी धर्माचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से निकल जाती है तो पूरे देश में FIR की झड़ी लग जाती है। क्या विडंबना है? आखिर हम क्या कहते हैं? हम तो वही कहते हैं जो भारतीय संविधान कहता है। अनुच्छेद 14 में सप्ताह में स्पष्ट है कि भाव धर्म वर्ण जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर भेदभाव नहीं किया जा सकता तो सत्ता में बैठे हुए लोग आज खुला हमारे साथ सतोला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? भारतीय संविधान द्वारा दिया गया अधिकार छीनने का काम क्यों कर रहे हैं? आरक्षण खत्म क्यों कर रहे हैं? संविधान को निष्प्रभावी क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र को खत्म करने का दुस्साहस क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं, ये तो देश को बेचने का भी पाप कर रहे हैं। 3.5% ब्राह्मण है, 3% क्षत्रिय है, 1.5% वैश्य है, तीनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 7-8% होता है। ठीक है, यानी शेष तो बहुजन समाज है, तो 8% लोग अपने वर्गों तक सरकार नहीं बना सकते हैं। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर ठग करके महंगा करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लगातार खत्म करने में लगे हुए हैं। आज भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था के विपरीत सत्ता के मद में चूर सत्ता नशील लोग अप्रत्यक्ष रूप से यथार्थित भाग को बढ़ावा दे रहे हैं, मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, संविधान को निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है, बहुजन समाज के अधिकारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है बहुजन अधिकार सम्मेलन। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो स्वाभाविक रूप से आज
जब हमारे हकों पर डकैती डाली जा रही है, अधिकारों पर डकैती डाली जा रही है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, आरक्षण को शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आज संघर्ष के रास्ते पर फिर से हमें चलने की आवश्यकता है। सड़क के माध्यम से अपनी आवाज को फिर से बुलंद करने की आवश्यकता है। इसलिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जिससे कि बहुजन अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे, सावधान रहे। साथियों, आप जानते हैं आज लोकतंत्र को भी कमजोर किया जा रहा है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय ने बताया कि किस तरीके से तानाशाही हितानाशाही के रास्ते पर चलते हुए लगभग 150 सांसदों को सरकार के सारे पर सदन के बाहर किया गया। क्या लोकतंत्र को दबाने की साजिश नहीं है क्या? क्या जबरन सरकार अपनी बात को थोपने का दुस्साहस नहीं कर रही है क्या? और साथ ही साथ आज सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आज जितने भी विज्ञापन निकलते हैं, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, भारत सरकार में हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई की सरकारों के देखरेख में चलने वाले प्रदेशों में हो, हर जगह पर आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4% दिया जा रहा है। पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण के सापेक्ष कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 8% दिया जा रहा है। तमाम विज्ञापनों को देखने से पता लगता है तमाम विभागों में आरक्षण को तो शून्य कर दिया जाता है। अभी अभी ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको मैं समय समय पर अपने ट्विटर के माध्यम से सामने भी करता रहता हूं। अब इस तरीके से आज हकों पर डकैती डालना, साथियों, उसमें बहुत कुछ भूमिका हमारी आपकी भी है।